अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सनिया रफ़ीक। आई एम हेयर टू टीच यू केमिस्ट्री। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे हैं, जबकि 1913 में मोजले ने एलिमेंट्स की एक न्यू प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया, दैट इज़ एटॉमिक नंबर, और फिर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया गया। एलिमेंट्स की वो अरेंजमेंट जो एटॉमिक नंबर की बेस पे हुई उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नेम दे दिया गया। So, the modern periodic table is based on the arrangement of elements according to increasing atomic number. अब इसमें अरेंजमेंट किस तरह से थी? Horizontal rows and vertical columns. Horizontal rows जो थी वो left to right elements की अरेंजमेंट, और ये किसकी बेस पे थी? According to increasing atomic number. जबकि जो vertical columns हैं ये कैसे बने? टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आते हैं उनकी सेम होती है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स सच दैट दीज एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करती थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया। आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट द 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट एलिमेंट। यानी फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो आने वाला 9 एलिमेंट्स था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करती थी। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हैज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज लिथियम, सो लॉन्ग रोज ऑफ द एलिमेंट्स वर कट इन टू द रोज ऑफ 8 एंड 18 एलिमेंट्स। जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके आगे। अब इसमें क्या हुआ था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी लिथियम और सोडियम के साथ, तो हाइड्रोजन के नीचे लिथियम और सोडियम को रख दिया गया, जबकि बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी मैग्नीशियम के साथ, तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम को रख दिया गया। अगर हम लिथियम वाले पीरियड को ऑब्जर्व करें तो लिथियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो लिथियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम है, सेकंड पे थर्ड पे एल्युमिनियम है, फोर्थ पे कार्बन है एंड सो ऑन, तो फर्स्ट के बाद जो आने वाला 9th एलिमेंट था वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा था। यानी लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है और लिथियम के बाद ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, 8th के बाद जो 9th आने वाला एलिमेंट है सोडियम, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है, तो वो लिथियम के नीचे ही रखा जाएगा। इसी तरह पोटेशियम एलिमेंट है जो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है वो सोडियम के नीचे आ जाएगा, और सो ऑन। इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स जो एक ही तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं वो एक ही कॉलम में या एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। इसी तरह सेकेंड कॉलम और 1 to 18 कॉलम है पीरियड टेबल में। और इस तरह से क्या हुआ था कि लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू द रोज ऑफ 8 एंड 18 एलिमेंट्स, यानी जो लॉन्ग रोज थी एलिमेंट्स की वो कट होके शॉर्ट रोज में कन्वर्ट हो गई थी। अब हम पीरियडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि पीरियडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे उनको किस बेस पे अरेंज किया गया। तो पीरियडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब है पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? द हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रोज में लेफ्ट टू राइट जो अरेंजमेंट है उसको पीरियड्स कहा जाता है। और पीरियडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स मौजूद हैं? 1 to 7, यानी टोटल 7 पीरियड्स मौजूद हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है पीरियड्स की? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो पीरियड्स हैं क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो इट्स मीन उनमें रेगुलरली जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। थर्ड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज हो रही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंजिंग। अब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, और इसके चेंज होने से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं।
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं किसी भी एटम के आखिरी शेल में, यानी वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में, वो डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट किस पोजीशन पे आएगा, यानी फर्स्ट ग्रुप में आएगा, सेकंड ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा. ये किसको, कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल, द एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्यूपाई लेफ्ट पोजीशन इन द पीरियड्स लाइक अल्कली मेटल्स, तो वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आएंगे. सिमिलरली द एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल लाइक द नोबल गैसेस. ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलवेज ऑक्यूपाई द राइट मोस्ट पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल. यानी अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने ये बता दिया है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी पोजिशन क्या होगी, लेफ्ट पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल. और जब उनमें 7, 8 और इस तरह समथिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, राइट मोस्ट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट है ग्रुप. ग्रुप्स किनको कहते हैं? द वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एलिमेंट्स की टॉप टू बॉटम जो अरेंजमेंट है उनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स. और पीरियोडिक टेबल में टोटल 1 to 18 ग्रुप्स मौजूद हैं. पीरियड्स 7 मौजूद हैं और ग्रुप्स 18 मौजूद हैं. अब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज क्या है? डिसकंटीन्यूअस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. इनमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो होता है बट इन डिसकंटीन्यूअस मैनर्स. थर्ड प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस विद इररेगुलर गैप्स. यानी इररेगुलर गैप्स के लिहाज से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होती है. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल. इनमें वैलेंस शेल तो चेंज होते रहते हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे के साथ मैच करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अब 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा. और सेकंड ग्रुप है तो उसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. यानी फर्स्ट ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल डिफरेंट होंगे. जबकि सेकंड ग्रुप में भी ऐसे ही होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल डिफरेंट होते जाएंगे. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो ये डिसाइड होगा कि वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे आएंगे या राइट साइड पे आएंगे.